दोस्तों, पावर वीडर किसान भाइयों के लिए कितनी उपयोगी है ये कहने वाली बात नहीं है। हर किसान इससे अवगत है, लेकिन बात अटक जाती है कि कौन सी पावर वीडर। बहुत सारे रेंज इसमें हैं, बहुत सारे पावर के आते हैं, बहुत सारे सेगमेंट के आते हैं। डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन में भी पावर वीडर आते हैं। तो हमारे किसान भाइयों के लिए कौन सा पावर वीडर उपयुक्त रहेगा, आज की वीडियो में बिल्कुल ही क्लियर होने वाला है। और मैं अभी आ पहुंचा हूं किसान कृषि यंत्र हैदराबाद में, जो आप देख पा रहे होंगे, और अरवल ज़िले का सबसे बड़ा शोरूम है पावर वीडर का। तो बहुत सारे ऑप्शन भी दोस्त आपको यहां से मिलने वाली है। जो भी कन्फ्यूजन आपके मन में होगा पावर वीडर को लेकर के, कि क्या क्षमता है, कि कितने पैसे में मिल सकती है, क्या क्या ये कर सकती है, कौन कौन से कृषि कार्य करने में सक्षम है, हर तरह की जानकारी से आज पर्दा उठेगा। तो बने रहेगा हमारे साथ दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं। स्वागत है सर हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। आपका भी स्वागत है, सभी किसान भाइयों को नमस्कार प्रणाम। तो आज पर्दा उठाइए भाई, बहुत सारे हमें किसान बंधु कंफ्यूज रह रहे हैं कि भाई कौन सा पावर वीडर मेरे लिए उपयुक्त रहेगा। आपके पास तो विशाल रेंज है, हर तरह के, हर रेंज के पावर वीडर मौजूद है। तो भाई हमारे जो किसान बंधु हैं उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बताइए कि कैसे करेंगे, कौन सा पावर वीडर उनके लिए उपयुक्त रहेगा। मेरे पास छोटा से लेकर बड़ा किसान भाइयों के लिए, बाग बगीचा बागवानी के लिए हर तरह का एक से एक पावर वीडर का रेंज आ गया है। पंजाब का टोटल प्रोडक्ट मेरे पास आ गया किसान भाइयों को। हमारे किसान बंधु को पंजाब या हरियाणा का रुख नहीं करना पड़ेगा, बिहार में ही, अरवल ज़िले में ही आप उनको सारी सुविधाएँ देंगे जो पंजाब से उनको मिलती थी। जी, पूरा पंजाब का टोटल प्रोडक्ट मिल जाएगा मेरे पास। अगर इंजन की बात करें तो पावर वीडर में दो तरह के इंजन आते हैं, एक तो डीजल इंजन, एक पेट्रोल इंजन। तो क्या दोनों सेगमेंट आपके यहाँ है, या सिर्फ डीजल इंजन है, या तो पेट्रोल इंजन में पावर वीडर मौजूद है? मेरे पास पेट्रोल इंजन भी है और डीजल इंजन भी है, लेकिन बेस्ट रहता है सर? देखिए, बेस्ट यह है कि पेट्रोल में मेंटेनेंस जीरो है, इसमें कोई मेंटेनेंस नहीं है, बिल्कुल जीरो मेंटेनेंस है। और डीजल में है कि उसका मेंटेनेंस हाई है। पेट्रोल का हर जगह मैकेनिक अवेलेबल है, हर मोटरसाइकिल दुकान वाला आपको देख लेगा इंजन को, किसान भाइयों को परेशानी नहीं होगी। उसका पार्ट्स भी 50% हर मोटरसाइकिल दुकान पे अवेलेबल है, लेकिन डीजल इंजन का पार्ट्स हर जगह अवेलेबल नहीं है और कॉस्टली ज़्यादा आती है। चलिए, हमारे दोस्तों को, हमारे किसान बंधुओं को एक एक करके पावर वीडर की खासियत और उसकी कीमत बताइए। ठीक है, मैं दिखाता हूँ। तो ये जो मॉडल है कि रंजीत जी, ये कौन सा मॉडल, इसकी खासियत बताइए हमारे दोस्तों को। ये आपको 4 स्ट्रोक का इंजन आ गया, स्प्रे मैन का है, 82 cc का 4 स्ट्रोक का इंजन है। 4 स्ट्रोक में है जी, ये मात्र आपको 18 इंच में फिक्स है इसका रोटावेटर, 18 इंच में ये चलेगी। ये पेट्रोल इंजन है या डीजल इंजन? ये पेट्रोल इंजन ही आता है। ये पेट्रोल इंजन है, इसकी मदद से हमारे किसान भाई सब्जी की खेती कर सकते हैं। हाँ, इसे बाग बगीचा के लिए, बागवानी के लिए, सब्जी गुड़ाई के लिए स्पेशलिस्ट। इसका प्राइस क्या रहने वाला है? इसका प्राइस मात्र पड़ेगा 25,000 रुपया, यानी कि 4 स्ट्रोक इंजन 25,000 में हमारे किसान बंधु ले सकते हैं। जी, 25,000 में 4 स्ट्रोक का इंजन, और 2 स्ट्रोक भी लोग बेच रहे हैं 22,000-24,000 में। लेकिन 2 स्ट्रोक, मैं किसान भाइयों को कहना चाहता हूँ कि 2 स्ट्रोक इंजन अब बेहतर नहीं है, अब लेने का जरूरत नहीं है, और 2 स्ट्रोक का जमाना गया, मेंटेनेंस 4 स्ट्रोक आ गया है। जी, तो ये जो मशीन हमारे किसान बंधु खरीदेंगे तो यहाँ आकर खरीदेंगे या तो फिर होम डिलीवरी आप देंगे? होम डिलीवरी, हर मशीन को होम डिलीवरी में भेजवा सकता हूँ। तो ये होम डिलीवरी उसी पैसे में है या अलग से पैसा देना होगा? होम डिलीवरी उसी पैसा में आ गया। फ्री में होम डिलीवरी आप देने वाले? बिल्कुल फ्री में होम डिलीवरी। और एक और नया मॉडल आपके यहाँ मैं पहली बार देख रहा हूँ, तो इस मॉडल की खासियत क्या है, क्या इसकी क्षमता है, इसके विषय में बताइए हमारे दोस्तों को। ये R400 प्रीमियम मॉडल है, राजा भाई का लॉन्च हुआ है नया, अपना वो भाई नया कंपनी खोले हैं, तो इसमें R400 प्रीमियम मॉडल निकाले, वो इसका प्राइस पड़ेगा मात्र 33,000 रुपया। ये R400 जो मॉडल है, प्रीमियम R400 प्रीमियम जो मॉडल इनका है, तो इसकी क्षमता क्या, कितने HP का है ये? ये 5.5 HP का इंजन है, 150 cc का है, और इसमें रोटावेटर 2 फुट का साथ में मिल जाएगी, और इसमें एडजस्टेबल है रोटावेटर, आपको 16 इंच से लेकर हो जाएगी 2 फुट तक, यानी कि 14 इंच से 2 फुट तक की ये जुताई कर सकती है, अगर चौड़ाई की बात करें तो। जी, हर बैगन, भंटा और ये भिंडी और गोभी के लिए स्पेशलिस्ट हो गया, यानी कि सब्जी की खेती बृहद पैमाने पर अगर कोई भाई हमारे करना चाहते हैं तो इस मशीन के माध्यम से वो कर सकते हैं। जी बिल्कुल, उनके लिए बेस्ट मशीन है, उनके लिए बेस्ट पावर वीडर है। जी, आधा मात्र 1 घंटा का 0.5 लीटर पेट्रोल ले। ये 750 प्रीमियम मॉडल आ गया, ये 7.5 HP का इंजन है, राजा भाई का टर्बो इटालियन 7.5 HP का इंजन है। ये इसका रोटा बेटर हो गया, आपको 3 फुट से लेकर 14 इंच तक चलती है, जो किसान भाइयों को ज़्यादा खेती का है वो 14 इंच से लेकर 3 फुट तक रोटावेटर इस पर ले सकते हैं, 7.5 HP का इंजन है वो। उसका कीमत मात्र पड़ेगा 40,000 रुपया, मात्र 40,000। और ये वाटरप्रूफ इंजन है, ये सब टोटल वाटरप्रूफ इंजन है, और इसमें गियर वाल्व भी
लगती है 1.5 लीटर और इंजन ऑयल भी इसका क्षमता 600 ml है। ये जो मॉडल आ गया 700R709 मॉडल, ये राजा भाई का नया लॉन्च हुआ है। ये 7.5 HP का इंजन है, इसके साथ में आपको 4 फुट का रोटावेटर 32 ब्लेड मिल जाएगी। ये 7.5 HP का इसमें लाइट दे दिया गया है, छोटा किसान भाइयों के लिए बाग बगीचा के लिए बहुत बेस्ट क्वालिटी है। ये देखिए आ गया एस राजा ब्रांड, जो पुरानी जानी मानी पहचानी इंजन है, R111 मॉडल जो हुआ। ये पौने इसका तो कहना ही नहीं है, R111 का। ये 7.5 HP का टर्बो इटालियन है, बहुत पुराना मॉडल है, इसका प्राइस मात्र 54,000 पड़ेगा। ये आ गया टर्बो, राजा भाई का नया लॉन्च हुआ है, 777 777 मॉडल। ये भी 7.5 HP का ही है, गियर बॉक्स अच्छा है, हैवी डाल दिए हैं वो 2.5 लीटर का, और इंजन भी अच्छा है, हैंडल भी लॉन्ग है, इसका वाइब्रेशन 0 आ गया, हेडलाइट भी और है इसमें, और इसके बाद हैंडल इसका स्टार्टिंग भी है, जो है हैंडल का है, हैंडल से स्टार्ट कर सकते हैं, और बेल्ट का भी सिस्टम है, और इसमें मोबिल जो है इंजन वाल मात्र 600 ml लगेगा और गियर वाल 2 लीटर लगता है, बहुत पावरफुल ये इंजन है। ये आ गया टर्बो, टर्बो का R725 मॉडल है, वो 10 HP का है, 10 HP में राजा भाई का नया लॉन्च हुआ, ये बात है। इसमें आपको सेल्फ स्टार्ट आ जाएगा, सेल्फ स्टार्ट आने के कारण इसका प्राइस आपको पड़ जाएगा मात्र 65,000 रुपये प्राइस पड़ेगा। ये आपको 5 लीटर का टंकी मिल जाएगी, टायर भी मोटे ही है, और इसमें सापट इसका PTO जो है हैवी है, और इससे धान गेहूँ रिपर वगैरह चला सकते हैं, कोई तरह की परेशानी नहीं, और इसे ट्रॉली लगाकर 10-12 क्विंटल माल मटेरियल भी ढो सकते हैं जी। और ये आप सिंग पावर SP1500 मॉडल आ गया, ये भी बहुत दबंग इंजन है, ये आपको पड़ जाएगी मात्र, इसमें 5 फुट का रोटावेटर साथ में मिलेगा, और इसका तेल वाला गियर वाल फिल्टर है, इसमें आपको 2.5 लीटर का भी है गियर वाल है, और इंजन पड़ जाएगा 9.5 HP का, बहुत दबंग इंजन है, इसका तो कहना ही नहीं। जब आप मेडिगार्ड भी देख सकते हैं, लंबा दे दिया है, मिट्टी नहीं फेंक सकते हैं, और एडजस्टेबल है, छोटा बड़ा कर सकते हैं। टायर देखिए ट्रैक्टर गुड्डी में आ गया, टायर एकदम 1 पीस में, और बम्फर भी इसका बहुत हैवी है, आगे से कहीं से ठोकर अगर लगती है तो बचाव करेगी इंजन को, बहुत बेस्ट क्वालिटी है ये। इसका मात्र प्राइस पड़ेगा 65,000, और 5 फुट रोटावेटर साथ में, और इसका फ्यूल कंजक्शन मात्र 800 से 900 ml। अब ये आ गया होंडा का, लोग कहते हैं कि हमको सब्सिडी चाहिए, तो सब्सिडी के लिए ये होंडा इंजन आ गया, इस पर आपको 1 लाख प्राइस है, 40% सब्सिडी है, इस पर सब्सिडी आपको रहने के कारण इसका जो है मांग थोड़ा ज़्यादा हो गया, और ब्रांड इंजन आ गया। ये आ गया राजा भाई का 10 HP का टर्बो प्रीमियम मॉडल, ये इसमें तेल वाला फिल्टर आ गया, ये बहुत ज़बरदस्त इंजन है, देखने में लुक तो इसका ठुमुक है, लेकिन बहुत बिजोड़ इंजन, हाई फाई क्वालिटी है, और इसमें जो गियर हो गया तो ये आ गया मारुति वाला गियर, इसमें गियर जो है ये मारुति जैसे चलाते हैं लोग, 4 चक्का 4 व्हीलर ये जैसा है इंजन, इसका गियर, इसका प्राइस मात्र पड़ेगा 10 HP का, इसमें आपको ये 65,000 ये पड़ेगा, ये प्रीमियम मॉडल है, और इसका हैंडल तो लॉन्ग है ही, इसके बाद ज़बरदस्त है, कहना ही नहीं है। ये आपको आ गया सिंह पावर का SP1600D 8 HP का, और कामा इंजन का है, बेस्ट क्वालिटी, इसमें आपको डबल मेडिगार्ड मिल जाती हैं, साथ में ट्रैक्टर गुड्डी टायर मिल जाती हैं, साथ में आपको सेल्फ स्टार्ट एमरॉन का बैटरी साथ में मिल जाती है, और वह बेस्ट क्वालिटी है, और डीजल इंजन में लुक भी इसका एकदम बिल्कुल ज़बरदस्त है। लोग किसान भाई बोलते हैं कि डीजल इंजन चाहिए, डीजल इंजन में एक क्या होता है कि जिनको डेली प्रतिदिन काम है हमेशा वो डीजल इंजन ले, और जिनको कभी कभी काम है वो पेट्रोल इंजन ले सकते हैं, लॉन्ग लास्टिंग है ये। हाँ लॉन्ग लास्टिंग है। किसान भाइयों को सोचना पड़ेगा सर कि अगर उनको ज़्यादा समय तक काम करना है तो डीजल इंजन ले, और कम समय के लिए काम करना है तो पेट्रोल इंजन ले। जी जी, किसान भाइयों को ही ये चाहिए कि ज़्यादा काम है तो डीजल इंजन लें, और कम कभी कभी काम करना है तो पेट्रोल इंजन लें। और मेरे पास आ गए ये अर्थुगर ये स्प्रेवैन का 52 cc का है, इसका मात्र प्राइस पड़ेगा आपको मात्र 13,500। ये 63 cc का एस राजा का है, वो इसका मात्र प्राइस पड़ेगा 16,500। 68 cc का स्प्रेवैन का आ गया, इसका भी 16,500। ये 4 स्टॉक का हो गया, 50 cc का स्प्रेवैन का, इसका भी मात्र 17,500 पड़ेगा प्राइस। पेट्रोल इंजन है, टोटल पेट्रोल इंजन है, इसके साथ जो किसान भाइयों को बेट, इसके साथ आपको 2 इंच से लेकर
12 इंच तक बिट चला सकते हैं। ये देखिए दबंग इंजन आ गया, सिंह पावर का एसपी 2400 मॉडल। ये आपको इसमें एयर फिल्टर भी दिया हुआ है तेल वाला। इसका माइलेज भी बहुत ज़बरदस्त है और गियर बॉक्स जो है इसका मात्र 3 लीटर का गियर बॉक्स है। स्पीड भी इसका हैंडल बहुत स्पीड हाई है और ये बहुत ज़बरदस्त लुक है। लाइट भी बहुत अच्छा खासा करती है। तो हमारे किसान भाइयों को ये मॉडल कितने में उपलब्ध हो जाएगा? इसका मात्र प्राइस पड़ेगा 55,000 रुपया। किसान भाइयों ये 7.9 मतलब लगभग 8 HP का ये इंजन हो गया। साथ में ट्रैक्टर गुड्डी और 4 फुट का रोटावेटर साथ में मिलेगी। और ये आ गई फिर ये सेल्फ स्टार्ट वही सेम मॉडल है। इसमें सेल्फ आ गई। किसी किसान भाइयों को कहना है कि मुझे सेल्फ चाहिए, तो मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहता हूँ कि पेट्रोल में सेल्फ लेने का ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा हो जाता है लचर पचर और परेशानी होती है। बिना सेल्फ का एक बार वहीं स्टार्ट हो जाती है पेट्रोल इंजन इसके चलते। लेकिन इसका सेल्फ के नाम पे 3-4 हज़ार रुपये बढ़ जाता है, वो लगाने का ज़रूरत नहीं है सेल्फ में पैसा। और 4,000 में 1 साल किसान भाई आराम से खेती कर सकते हैं। ये आ गया 7.5 HP का इंजन, SP 1100 मॉडल। ये बहुत छोटा किसान के लिए बहुत बेस्ट क्वालिटी है। 7.5 HP का इंजन है, गियर बॉक्स इसका 1.5 लीटर 2.5 लीटर का है। और ये इसके साथ 24 ब्लेड मिल जाएगी। प्राइस मात्र 38,000 में देंगे, मात्र 38,000 में। किसान भाइयों को कहना है कि हमको ये 4 स्ट्रोक ही इंजन है। मैं 2 स्ट्रोक बेचता ही नहीं हूँ। क्या किसान भाइयों को बहुत प्रॉब्लम आती है 2 स्ट्रोक इंजन में। और ये देखिए किसान भाइयों को कहना है कि लोग कहते हैं कि मुझे 7.5 HP का इंजन चाहिए। सर मुझे 7.5 HP में 38,000 से लेकर 58,000 तक है, लेकिन आपको कौन सा मॉडल कैसा चाहिए? किसान भाई बहुत भोले होते हैं, सोच समझकर आप इंजन को लिया कीजिए। ये आ गई सिंह पावर का, बहुत ज़बरदस्त लुकिंग है। इसमें 2 गियर आ जाती है किसान भाइयों को, 2 गियर के साथ में हैंड इसका एयर क्लीनर भी ऊपर दिया हुआ है। डबल फिल्टर है, तेल वाला भी इसमें फिल्टर है। और 2 गियर के साथ में इसमें 1 लीटर गियर वाल और इंजन वाल मात्र 0.5 लीटर लगती है। और ये 5.5 HP का इंजन है, 150 cc है। इसके लिए आपको 14 इंच से लेकर 2 फुट तक रोटावेटर साथ में मिलेगा। और गोभी में भिंडी में जुताई गुड़ाई मिट्टी चढ़ाने के लिए बहुत बेस्ट क्वालिटी है। सब्जी के खेती के लिए स्पेशली इसको डिज़ाइन किया गया जी, सब्जी के लिए। और माली लोग फूल के लिए बहुत नंबर से गाड़ी बिक रही है, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं गाड़ी है कम से कम नहीं तो 100+ बेचे हैं, कहीं से कोई शिकायत नहीं है। तो रंजीत जी ये पावर वीलर के बारे में तो सारी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को, हमारे किसान बंधुओं को दे दिया। बहुत सारे मॉडल हैं, उनको तय करना है कि कौन सा मॉडल उनके लिए उपयुक्त है। सारी जानकारी तो आपने दे दी, लेकिन एक नया चीज़ मैं आपके यहाँ देख रहा हूँ, वो है चाप कटर। बहुत सारे किसान बंधु जो अपने यहाँ मवेशी रखते हैं या तो बकरी पालन कर रहे हैं, तो उनके लिए चाप कटर काफ़ी उपयोगी साबित होता है। और इसके अलावा भी यहाँ पर देख रहे हैं कि अगर वो दर्रा यानी कि दलिया पिसवाते हैं किसी मिल में जा करके, तो अगर ये मशीन उनके पास आ जाएगा तो चाप कटर का काम करेगा, यानी कि हरा चारा तो कटाई उनकी हो ही जाएगी, साथ में दलिया भी वो निकाल सकते हैं इस मशीन के माध्यम से। हाँ, दाल दर्रा और जानवर के लिए, और आटा भी पीस सकते हैं, गेहूं भी पीस सकते हैं किसान भाई, और इससे हरा चारा भी काट सकते हैं। घंटों का काम, कुछ दिनों का काम मिनटों में करेगी, ऐसा ये चाप कटर है। ये चाप कटर कितने प्राइस में हमारे किसान बंधुओं को मिलेगा? ये चाप कटर आटा चक्की के साथ में 2-in-1 है जी, 2-in-1 है। और मोटर भी विथ साथ में मिल जाएगी किसान भाइयों को। अगर मोटर नहीं लें तो इसका प्राइस मात्र पड़ेगी 22,000। अगर मोटर लेते हैं तो ये 32,000 रुपया मात्र पड़ेगी। और लेकिन ये बड़ा है, अच्छा है। मोटर आप 2 HP का कोई कंपनी का लगा कर चला सकते हैं, नहीं तो आप इस पे 3 HP का भी मोटर चलेगा। रंजीत सर बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी जानकारी और बहुत सारी जानकारी आपके द्वारा हमारे दर्शकों को मिली, हमारे किसान बंधुओं को मिली। तो दोस्तों जो भी इनके पास था, जो भी इनके पास मॉडल है, सारी जानकारी, सबकी जानकारी इन्होंने देने की कोशिश की है। विशेष जानकारी के लिए रंजीत सर का नंबर मैं स्क्रीन पर डाल दूँगा, वहाँ से आप संपर्क करके बात सारी जानकारी ले सकते हैं। अगर यहाँ पर आकर विजिट करना चाहते हैं तो यहाँ के विजिट करने के लिए सर से मैं पूछ लेता हूँ कि यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस क्या है और कैसे लोग यहाँ आपके पास पहुँच सकते हैं। तो सर बताइए एक बार कि यहाँ पर किसान कृषि यंत्र आपका ये जो शोरूम है वो कहाँ पर है और कैसे लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं? ये आपको अरवल जिला में, बिहार राज्य अरवल जिला में पड़ता है, बैदराबाद गाँव। कहीं भी पूछिएगा कि हमको बूढ़ा महादेव के पास जाना है, कहीं भी लोग बता देगा बैदराबाद में आकर। और किसान भाइयों का इतना सहयोग प्रेम मिला कि एक और मैं शोरूम खोलने जा रहा हूँ पटना में, बिहटा, पटना जिला बिहटा में, और मैं खोलने जा रहा हूँ 17 सितंबर को ओपनिंग है। किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है कि जितना ज़्यादा आवें, और मैं ऑफर के साथ में भी गाड़ी उस दिन मैं दे दूँगा। उस दिन
विशेष ऑफर रहेगा? जी ऑफर रहेगा और प्रसाद लोग खाने आ सकते हैं, हम लोग का किसान भाइयों का अपना सहयोग प्यार बांटने आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों इस तरह का और भी अपडेट जारी रहेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ तब तक के लिए।